सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th एनसीईआरटी। अब जिसके भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती हो, चाहे सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड है इनका तो मुझे पता है, बाकी कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ भी एनसीईआरटी चलती है, और अगर एनसीईआरटी नहीं भी चलती है तो स्टेट बोर्ड्स की भी बुक्स में, साइंस की बुक में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगभग हर बोर्ड में होगा ही होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एज़ फार एज 10th स्टैंडर्ड की बात करें। अगर हम आगे की बात करें, अगर आप 11th 12th में जाकर साइंस लेते हैं तो 12th बच्चों, 12th में जो फिज़िक्स है पूरा का पूरा समझो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना, ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है ये वन शॉट वीडियो है, तो वन शॉट वीडियो में छोटा रखने के लिए वीडियो को मैंने डिटेल्स तो सारे कवर किए हैं, पर इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं कर रहा। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ थियरी और कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होगा ताकि आपका शॉर्ट टाइम में आप रिविज़न अच्छे से कर सको। न्यूमेरिकल के लिए अलग से प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, तो वो डेफिनेटली हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को अननेसेसरी बड़ा नहीं करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ कि बीच बीच में जो मैंने थियरीज लिख रखी हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर कई जगहों पर जो भी थियरीज लिखी हैं आप उसे नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप नोट्स बना लेना। साथ ही साथ मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा भी, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको उतारते चलना है, बराबर है। इसके अलावा अगर आपने इतना लिख लिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा दूसरे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत में, सबसे पहले क्या आता है, बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का ना जो फंडामेंटल है वो चार्ज में छुपा हुआ है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th में पढ़ा था, किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, उन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिनके पास मास है। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, मास। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, वो क्या है, हमारी चार्ज। तो चार्ज के बारे में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, हालांकि टेक्स्ट बुक में शायद इसका डेफिनेशन नहीं है, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फिनोमिनन के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि चार्ज का फ्लो करंट बनाता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप आगे इसके बाद का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया है, बराबर है। तो चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है हर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पीछे, ठीक है। हालांकि नेचुरल मैग्नेट्स भी आते हैं, पर उनमें भी बेसिकली आप उतरोगे तो पता चलेगा कि चार्ज की ही बात होती है। अच्छा, तो चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी बता दिया मैंने मटेरियल का, फिर क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज बच्चों दो तरह के होते हैं, कौन कौन से तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर सिलेक्ट करना रह गया था मेरा, ये भी ले लेते हैं, चलो। तो दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, और नॉर्मल तौर पर हम इसे प्लस से, जैसे मान लो 5 कूलम चार्ज है प्लस में तो उसको प्लस 5 कूलम लिखते हैं, और नेगेटिव में तो उतना ही माइनस 5 कूलम, ऐसे करके हम लिख देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक प्रॉपर्टी, ये आपसे पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना। हालांकि टेक्स्ट बुक में स्पेशली ऐसा करके लिखा नहीं है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पर फिर भी आपसे पूछी जा सकती है, दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ना बच्चों, रिपल्शन करते हैं, जैसे मैग्नेट्स में होता है ना दो लाइक पोल्स, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल या फिर साउथ साउथ पोल आमने सामने लाओ तो रिपल्शन होता है। वहीं अनलाइक पोल्स अगर हम आमने सामने लाएं तो अट्रैक्शन होता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाओगे तो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। मतलब ये कि एक आपका प्लस चार्ज है और एक आपका माइनस चार्ज है, इनको पास पास लाओगे तो ये दोनों को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर वही दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगल बगल रख दो, या दो माइनस माइनस, दो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रख दो, तो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। यहां भी क्या होगा, ठीक है, यहां भी रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, धक्का मारेंगे। इसके बाद बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, तो चार्जेस कैन बी एडेड लाइक इंटीजर्स। जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लो प्लस 2 ये एक इंटीजर है और माइनस 3 ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर्स पता है ना, मैथ्स तो इतना पढ़ा होगा हमने।
तो इंटीजर्स को हम सिंपली कैसे ऐड करते हैं, ये प्लस टू है, ये माइनस टू है, मैं इनको अगर ऐड करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस टू है, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस टू माइनस थ्री क्या आएगा, माइनस वन। तो जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं सेम तरीके से हम चार्जेस को भी ऐड करते हैं। कैसे, कि मान लो एक प्लस टू कूलम चार्ज है और एक दूसरा क्या है, माइनस थ्री कूलम चार्ज है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन कूलम चार्ज। ठीक है, अब ये कूलम कूलम क्या है, चार्ज को जो मेजर करने की यूनिट है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्या, लिखा तो है, हाँ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, जैसे हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, वैसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या है, कोलम। ये कोलम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये मेमोरी, मतलब उन्हीं की मेमोरी में ये यूनिट दिया गया है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबल इसका है क्या, सी। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी यूनिट का नाम कोलम है, और शॉर्ट में जैसे मैंने लिखा है टू कोलम माइनस थ्री कोलम, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे इंटीजर्स ऐड होते हैं उसी तरह से हम चार्जेस को ऐड करवाते हैं, बराबर है। फिर क्या बताया गया है, ये जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, विच इज इक्वेलेंट टू चार्ज कंटेंड इन नियरली 6 into, ये थोड़ा सा अलग से छप गया, करेक्शन करना रह गया, 10^18। मतलब ये हुआ बच्चों, 1 coulomb चार्ज कितना होता है, 6 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, इसके चार्ज को हम 1 coulomb कहते हैं। अब आप सोचो 6 × 10^18 मतलब 6 के साथ 18 जीरो लगाते चलना है आपको, 18 जीरो लगेगा 6 में, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आप साथ में लाओगे तो इन सबका मिलाकर चार्ज कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 coulomb, समझे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 coulomb है। देन चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल ऑफ ई चार्ज, मतलब मान लो ये जो है ना, इसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है, किसी वायर के अंदर चार्ज हो सकता है, कहीं पर भी चार्ज उठा लो, कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना बच्चों, वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही होगा। मतलब इस बॉडी पर हो सकता है 100 E चार्ज हो, कोई एक दूसरी बॉडी होगी उसे मान लो 1 lakh E चार्ज हो। अब ये E क्या है, ये रही E की वैल्यू, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 coulomb, ये फंडामेंटल चार्ज है। क्या है ये, फंडामेंटल चार्ज। यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज है, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज है, पर फर्क क्या है कि यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10^-19 coulomb, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10^-19 coulomb। अब ये जो फंडामेंटल चार्ज है, इसको फंडामेंटल क्यों कहा गया है, और ऐसा ही क्यों है कि सारे चार्जेस इसी के मल्टीपल्स में होते हैं, इसको थोड़ा मैं भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये वाला देख लेते हैं, बेसिक चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, समझे, इसलिए मैंने बोला कि ये समझेंगे तो ये अच्छे से और पता चल जाएगा। कहीं पर भी जब चार्जेस का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर करके जाता है, तो वो दो ही फॉर्म में जा सकता है, कि हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले जाकर इस पर जमा कर दें, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हुआ, और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो उन सब इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था वो यहाँ पर जाकर बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, इसको मैं क्लियर कर लूँ थोड़ा, तो जैसे मान लो ये एक बॉडी है और ये मेरी एक दूसरी बॉडी है, मैं यहाँ से चार्ज यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो जब मुझे यहाँ से यहाँ चार्ज मूव करवाना है ना, तो मैं कैसे मूव करवा सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर ले जाऊँ, या तो मैं यहाँ से प्रोटॉन्स निकाल कर ले जाऊँ, दो ही तरीके से मैं चार्ज मूव करवा सकता हूँ। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, प्रोटॉन्स जो होते हैं ना उनको मूव करवा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों पता है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आपने पढ़ाई होगा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th में, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अगल बगल घूमते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो उनको निकाल कर दूसरे जगह पर भेज पाना आसान काम है। पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा, न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर आने के लिए आपको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं, तो वो सिंपल टास्क नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है
तो वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। मतलब अगर मैं इस बॉडी ए से बॉडी बी पर चार्ज ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या लेके जाऊँगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके जाऊँगा। तो तुम एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, दो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 10 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 1000 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो मान लो मैंने यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर इस वाले बॉडी पे डाल दिया, बराबर है। तो यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही होता है। तो बताओ 1000 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, 1000 × 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इतना चार्ज 1000 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलेंगे। तो आपने 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज दिए, ठीक है, तो इतना चार्ज आपने उठाकर यहाँ से यहाँ भेज दिया, बराबर है। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ओवरऑल चार्ज कैसा है, माइनस। मतलब आपने यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठाकर इस पर डाल दिया, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग में दोनों ही बॉडीज पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे दोनों बॉडीज, अब कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब क्या होता है पता है, कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, कहते हैं लोग कि चार्ज नहीं है, पर रियलिटी में ऐसा होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में थे, तो नेट चार्ज जीरो कहलाता है। पर मैं यहाँ से मैंने लेके गया कितना, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स का इतना चार्ज था, पर ये कैसा था, नेगेटिव में, तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस मैंने हटा लिए, तो यहाँ पर नेगेटिव की कमी हो गई। जब यहाँ नेगेटिव की कमी हो गई तो ये बॉडी पर चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव की कमी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज चढ़ना, तो ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, कितना, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, पॉजिटिव में। अब यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ गए थे, तो ये भी तो पहले न्यूट्रल था लेकिन अब आ गया इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसके ऊपर अब टोटल चार्ज बन गया 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन नेगेटिव में, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इस तरह से हम बॉडीज को चार्ज करते हैं। तो जब भी किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होगा, तो मैंने बताया, तो जब इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज माइनस में, ये किसका मल्टीपल है, 1.6 × 10⁻¹⁹ का मल्टीपल ही तो है, और यहाँ पर भी जो चार्ज बना है ये भी 1.6 × 10⁻¹⁹ का मल्टीपल ही है। तो वही कह रहे थे कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो इसके मल्टीपल्स में ही होगा, मतलब इतना हो सकता है, इसका 2 times हो सकता है, इसका 1000 times हो सकता है, इसका 100000 times हो सकता है, इसके 1 crore times हो सकता है, लेकिन होगा इसी का मल्टीपल, बराबर है। तो इस तरह से ये है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल तौर पर अगर मैं आपको बोलूं तो करंट होता है किसी भी चार्ज का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की नहीं, करंट सिंपल कह रहा हूँ, किसी भी चीज का फ्लो। जैसे पानी बह रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं ये वाटर का करंट है। एयर फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं एयर करंट है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट बना। सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बराबर है। अच्छा, अब बात आ जाती है ये कि थोड़ा डिटेल में अगर समझें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो डिटेल में यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब यहाँ जो एरिया है ये कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे ये एक ये पेन का ये जो सामने का हिस्सा है, ये एरिया, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लो मैं ये कंडक्टर ले लेता हूँ, तो कंडक्टर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये कहलाएगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम समझ सकते हो आप, 1 second ले सकते हो, 1 second में जितना चार्ज क्रॉस करके जाए, 1 second में जितना चार्ज क्रॉस करके जाए, वही इस एरिया से पास होता हुआ करंट कहलाता है। तो लिखा है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज इस एरिया से गुजर जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और थोड़ा डिटेल में समझें, अच्छा शॉर्ट के लिए भी एक लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई सिंपली ऐसे पूछ ले कि भाई शॉर्ट में बता दो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट,
कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज गुजर रहा है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम कितना चार्ज गुजर रहा है, जो ऊपर का सेंटेंस है उसी को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा और डिटेल में बता दिया कि अगर मान लो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस वाले एरिया से मान लो कितना चार्ज गुजरा, क्यू चार्ज गुजरा, कितना गुजरा क्यू। मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के लिए हैं, आप नोट्स की तरह इनको लिख सकते हो, और ये जो है ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं आपको कि इस एरिया से कितना चार्ज गुजरा, मान लो क्यू चार्ज गुजरा, और ये पूरा चार्ज कितने टाइम में गुजरा, तो मान लो कितने टाइम में गुजरा, टी टाइम में, तो करंट बन गया क्यू बाई टी, क्या बन गया क्यू बाई टी, कोई दिक्कत, आई इस क्यू बाई टी ये फॉर्मूला है, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज गुजर जाए वही कहलाता है करंट, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जो क्यू होता है यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज है या कहीं से भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं, सारे चार्जेस ई के मल्टीपल्स में होते हैं, स्मॉल ई के मल्टीपल्स में होता है। तो स्मॉल ई का मल्टीपल अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्यू को हम लिख सकते हैं क्या पता है, एन ई, क्या लिख सकते हैं एन ई, तो आई का ये भी फॉर्मूला बन जाता है एन ई बाई टी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको काम लगेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी होगा इसके ऊपर, आप देखना, और फिर भी हम वैसे तो वीडियो पूरा न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने ही वाले हैं तो टेंशन नहीं है। तो दिस इज करंट, राइट, करंट को मेजर करने की यूनिट किसमें मेजर करते हैं हम करंट को, एम्पियर में, ठीक है। अच्छा, वन एम्पियर करंट फिर क्या होगा, जैसे एक मीटर इतना होता है या एक किलोग्राम कुछ होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं कि ये इतना एक किलोग्राम है, तो वन एम्पियर कितना है, तो जैसे डेफिनेशन ही कह रही है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करता है वही करंट देता है। तो अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज, मतलब यहां से क्यू की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, वन कूलम, कितना ले रहा हूं वन, और टाइम ले रहा हूं कितना वन सेकंड, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से मतलब एक एरिया से वन कूलम चार्ज पास होता है कितने टाइम के अंदर, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना चार्ज, वन कूलम चार्ज, तो वो करंट कहलाता है। ये वन कूलम क्यू बाई टी होता है ना, क्यू बाई टी, तो वन बाई वन यानी वन एम्पियर, ठीक है। तो वन एम्पियर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो आपको ये लिखना है, वन एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। या कह सकते हो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इफ वन कूलम चार्ज पासिस इन वन सेकेंड देन द करंट हियर इज वन एम्पियर, आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। तो वन एम्पियर के डेफिनेशन में ये लिखना है, और सिर्फ करंट के डेफिनेशन पूछें तो आपको ये वाला लिखना है, ये वाला पहला वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, फिर उसके बाद ये लाइन लिख के फॉर्मूला लिखना है, ये मेजर हुआ ये लिखना है, इतना लिखोगे करंट की डेफिनेशन तब जाके कंप्लीट होगी। वन मार्क्स का भी पूछे ना, फिर भी डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, तीन चीज़ लिखना, जो भी डेफिनेशन पूछते हैं तीन चीज़ जरूर लिखना है, डेफिनेशन पूरी लिखो स्टेटमेंट, फिर उसका फॉर्मूला लिख देना और फिर उसकी यूनिट लिख देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब करंट का डायरेक्शन, सिंपली कई लोग आपको ये भी बताएंगे कि भाई करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो से करंट नहीं बनता, ठीक है, कोई भी आयंस के फ्लो से भी करंट बनता है, ठीक है। पर बेसिकली सिंपल तौर पर समझाने के लिए लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो मान लो कि इस वायर में, ये एक वायर है, तो इस हिस्से से इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्लो करके, ठीक है, कैसे फ्लो करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल खाली मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो यही होना चाहिए था करंट का डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मल तौर पर मान लो फ्लो इस तरफ हो रहा है पानी का, अगर पानी इधर बह रहा है तो हम कह रहे हैं कि वाटर करंट इस तरफ जा रहा है, हवा इस तरफ जा रही है तो हम कहते हैं एयर करंट इस तरफ जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जाते हैं करंट उसके अपोजिट लिया जाता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट कहाँ होगा, इस तरफ। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जब स्टार्टिंग में करंट्स की स्टडी की जा रही थी तो उस टाइम पर यही माना जाता था कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो यही करंट होता है, ठीक है। लेकिन बाद में और रिसर्च हुए तो पता चला कि नहीं, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट नहीं बन रहा है, करंट तो जो बनता है वो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है।
तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में कहाँ जाएंगे पता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है ना उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो पहले लोग मानते थे इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो करंट इधर होना चाहिए, पर रियलिटी में इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो पुराना जो लोगों ने मान रखा था कि ये वाला डायरेक्शन करंट का है, यानी जहाँ पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं वही करंट का डायरेक्शन है, और रियलिटी में निकला कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, तो क्या करें, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लोगों ने ये बोला जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वही चलाओ, ठीक है, जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे वही करंट का डायरेक्शन है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो सिंपल याद रख लो कि भाई जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं करंट उसके अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं तो करंट इधर है, क्योंकि कन्वेंशन कहता है कि जहां पॉजिटिव चार्ज जाएगा वही करंट का डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज जहां जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसके अपोजिट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज, तो यही तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। अच्छा, ये बल्ब दिखा रखा है, देखो डायग्राम बनाया हुआ है, ये सेल लगा रखा है, सेल का पॉजिटिव है, तो करंट यहाँ से ऐसे निकलता है। अब जब करंट यूँ चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अगेंस्ट में आ रहे होंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का क्या दिखा दिया भाई, ये करंट का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो करंट इस तरफ, बराबर है। आगे चलते हैं, अब नॉर्मली 1 एम्पियर करंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर करंट्स हम मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करते हैं, हालांकि हमारे जो घर के डिवाइसेस हैं उनमें एम्पियर्स में ही मापा जाता है, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, इस तरह के करंट रेटिंग्स आते हैं, 16 एम्पियर, ठीक है। पर जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस उसके लिए भी करंट्स मेजर किए जाते हैं 1 मिली एम्पियर, ये स्मॉल किसके लिए है, मिली के लिए, 1 मिली एम्पियर मतलब 10^-3, और अगर बोलो 2 मिली एम्पियर तो वो कितना हो जाएगा, 2 × 10^-3 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर बोला तो 5 × 10^-3 हो गया। फिर वैसे ये क्या माइक्रो एम्पियर, ये ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है, माइक्रो यू नहीं है, ये माइक्रो है, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10^-6 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर को आप 1,000,000 से डिवाइड कर दो, 1 एम्पियर को किससे डिवाइड कर दो, 1,000,000 से, ठीक है, 1 एम्पियर को 1,000,000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइक्रो एम्पियर, तो बहुत छोटा करंट है ये, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अब कई कई में ऐसे ये स्क्वायर शेप का दिख रहा है, किसी में सर्कुलर शेप का होता है, डिज़ाइन बहुत अलग अलग टाइप के दिखते हैं, पर इसमें ये ज़रूर लिखा रहेगा ए, ठीक है, ये क्या है, एमीटर है, क्या है ये, एमीटर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर मापने का जो मीटर है, एम्पियर मीटर उसको कहते हैं शॉर्ट में एमीटर, ठीक है। तो ये कहीं पर भी ऐसा डिवाइस उसमें ए लिखा रहेगा, समझ जाओ कि ये क्या मापता है, करंट मापता है। ये अलग अलग, जैसे इसमें ये पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर ऐसे मूव करेगा, मान लो 20 पे आया तो 20 एम्पियर करंट है, 30 पे आया तो 30 एम्पियर करंट है, इस तरह से हम करंट मापते हैं। फिर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की, अब ये बच्चों थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने जैसी चीज़ है। करंट तो तुमने पढ़ लिया कि चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट बनता है, पर चार्जेस फ्लो करेंगे कैसे, अपने आप फ्लो करके जाएंगे कैसे करेंगे, तो वो समझने के लिए देखो ये एक एग्जांपल लिया है कि मान लो ये 2 टैंक्स हैं, दोनों में पानी रखा हुआ है, इनको यहाँ पर एक पाइप से और बीच में एक वाल्व लगा के कनेक्ट कर दिया गया है, नीचे से कनेक्ट किया गया है, इस वाले टैंक में पानी ज़्यादा है, इस वाले टैंक में पानी कम है, और ये आप खुद भी बता सकते हो, आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस भी होगा कि आप समझो कि अगर मैं ये वाल्व ओपन करूँगा तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, जिस टैंक में ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी फ्लो करके कम वाले में जाएगा, बराबर है, होता है कि नहीं होता है, अब नहीं होता है, नहीं विश्वास तो घर पे जाओ, 2 बाल्टियाँ लो, बीच में से छेद के पाइप लगाओ, और एक वाले में ज़्यादा पानी भरना, एक में थोड़ा कम पानी भरना, रोक के रखना, फिर छोड़ो, देखो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा वाले में से कम वाले में गया, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हाइट तक है, ज़्यादा हाइट तक है मतलब इस हिस्से में जो प्रेशर बन रहा है यहाँ ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे पानी कम हाइट तक है तो इस हिस्से में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम बन रहा है, ठीक है। जितना हाइट तक पानी जमा करके रखोगे ना नीचे प्रेशर ज़्यादा बनाता है, कम हाइट तक रखोगे तो प्रेशर कम रहता है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यहाँ प्रेशर कम है, तो ये दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस हो गया, क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस हुआ। तो जब प्रेशर का फर्क होता है तो पानी हायर प्रेशर वाले एरिया से लोअर प्रेशर वाले एरिया में फ्लो करता है। अब आपने कई बार देखा होगा लोग साइफनिंग करते हैं, जैसे किसी
कंटेनर में से लिक्विड निकालना है, तो पाइप ऐसे डालते हैं, ऐसे करके खींचते हैं हवा और ऐसे छोड़ते हैं, तो वो लिक्विड बाहर गिरने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो पानी तुम या जो भी लिक्विड है जो तुमने भर रखा है, उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर का है। खाली ऐसे पाइप डालने से क्यों नहीं बाहर आ जाता? खाली पाइप डालोगे तो बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एयर भरी है वो भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर है, और वहाँ जो तुम्हारा लिक्विड है उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। सेम सेम प्रेशर लगेगा तो लिक्विड नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जब हम ऐसे खींचते हैं तो हम उसके पाइप के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर को बाहर ले लेते हैं। तो जब एयर बाहर आ जाती है तो उस समय प्रेशर कम हो जाता है, और जब वहाँ प्रेशर कम होगा और जो तुम्हारा लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यहाँ प्रेशर कम कर दिया तुमने, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा। बराबर है? तो ये सारा खेल है किसका? प्रेशर डिफरेंस का। तो इसी तरह से अगर हमें चार्जेस को मोशन में लाना है तो हमें दो एंड्स के बीच में, मान लो ये वायर है, अगर मुझे इसमें चार्जेस को मूव करवाना है तो मुझे इन दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पर ये वाला प्रेशर डिफरेंस नहीं, इस प्रेशर डिफरेंस से चार्जेस मूव नहीं करेंगे। यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस होता है जिसे इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस कहेंगे, उसको टेक्निकली कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्जेस का फ्लो बच्चों किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये लिक्विड का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। चार्जेस का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मैं वो आगे आपको समझाऊंगा। चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है, कैसे काम करता है सिस्टम देखते हैं। तो मान लो बच्चों यहाँ पर ये एक कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, अब इस कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में वो भी मूव करते हैं, रैंडम मोशन होता रहता है उनका, ठीक है, पर हम मान लेते हैं कि रैंडम मोशन की वजह से नेट करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब होगा क्या कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में जाएं, सारे के सारे किसी एक डायरेक्शन में जाएं। तो मैं क्या करूँगा ना, मान लो कि मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एंड्स के बीच में क्या करना पड़ेगा मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए हमको यूज़ करनी पड़ेगी क्या? बैटरी या फिर सेल। सेल क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है, और कई सेल्स को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है बैटरी। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक बैटरी या सेल लगा दिया। अब मैंने ये बैटरी ऐसे लगाया है, ठीक है, ये जो होता है ना बच्चों बैटरी का, ये कहलाता है पॉजिटिव। जो बड़ी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव, छोटी वाली जो डंडी होती है वो नेगेटिव। ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों को कनेक्ट करके क्या बना दिया? बैटरी। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जो पॉजिटिव होता है ना बच्चों, उसको बड़ा डंडा बनाते हैं ना, और नेगेटिव वाले को छोटी डंडी बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़ी वाली डंडी होती है ना, वो हाई पोटेंशियल बताती है। क्या बताती है? हाई पोटेंशियल। इस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा है और इस एंड का पोटेंशियल लो है। तो ये लो पोटेंशियल छोटी डंडी, हाई पोटेंशियल बड़ी डंडी। याद रखना, कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा सेल में ये बड़ा छोटा क्यों बनाते हैं, या बैटरी में बड़ा छोटा क्यों बनाते हैं, बड़ा वाला इस फॉर हाई पोटेंशियल, छोटा वाला इस फॉर लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया। तो तुमने ये बड़े वाले को कहाँ कनेक्ट किया है? वायर के इस हिस्से से कनेक्ट किया है, और छोटे वाले को वायर के इस हिस्से कनेक्ट किया है। तो ये हाई पोटेंशियल यहाँ कनेक्ट है, तो इस एंड पर क्या बन जाएगा? हाई पोटेंशियल बन जाएगा। इस एंड पर क्या बन जाएगा? लो पोटेंशियल बन जाएगा। तो बताओ दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हुआ ना? तो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो अभी हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे, और फ्लो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लिक्विड वाला तो देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा था, ये वाला कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई से लो कि लो से हाई? तो भाई पॉजिटिव चार्जेस की बात करें, किसकी? पॉजिटिव चार्जेस की। ये याद रख लेना, लिख लेना अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना बच्चों, वो हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है? लो पोटेंशियल की तरफ। और नेगेटिव चार्ज जो होगा ना बच्चों, वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। बराबर है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? कैसा चार्ज होता है? लो सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ भागेंगे? लो से हाई की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ भागेंगे? इस तरफ भागेंगे। हाँ के ना? हाँ के ना? आगे चार्जेस मोशन में हो रहा है मोशन कि नहीं हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए, करंट बना कि नहीं बना?
बना ना, तो ये तो करंट बन गया। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो करंट का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जाएंगे तो करंट कहाँ बनेगा? इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, करंट कहाँ जा रहा है? इस तरफ। तो करंट का डायरेक्शन अगर आपको पूछे, ठीक है, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ें पता चलती जाती हैं कमेंट करना, नहीं पता चले तो भी कमेंट करना, जो भी हो बता देना कि भाई नहीं मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब बात ये आ जाती है कि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं विच डिवाइस इज यूज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर? ऑफकोर्स बैटरी, और भी सोर्सेज हैं पर सबसे ज़्यादा यूज होता है क्या? बैटरी, ठीक है। आगे जनरेटर वनरेटर पढ़ेंगे, वो भी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया। कैसे बैटरी ने ऐसा क्या कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? बैटरी के अंदर भी कुछ खासियत होगी। तो बच्चों बैटरीज जो बनती हैं, सेल्स जो बनते हैं ना, उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, एक एंड पर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर बोलो कि हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल जो ये है, ठीक है, और एक लोअर पोटेंशियल। तो इसके पीछे बैटरी की केमिकल एनर्जी यूज होती है। क्या यूज होती है? बैटरी की केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये सिंपल तौर से अभी मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि डिटेल में ना आगे जाओगे आप 11th 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपको आएगा, साइंस लोगे तो उसमें आप सेल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि सेल्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स हैं, 12th में आता है, ठीक है। तो ये देखते, ये समझ में आ गया आपको कि सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया। अब होता क्या है ना कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कोई बल्ब जला रहे हैं, टॉर्च वॉर्च में हम सेल वेल का यूज़ करते हैं, है ना, रिमोट रिमोट में भी हम सेल वगैरह का यूज़ करते हैं, बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ समय तक चलने के बाद वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है कि नहीं, और फ़ोन में आते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, है ना। तो ये जो केमिकल्स अंदर सेल में यूज़ हुए, इनके रिएक्शंस के हिसाब से जब तक केमिकल रिएक्शन होता है उनके अंदर, तब तक वो सेल्स को ना मेंटेन करके रखते हैं, एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव, या कहो कि एक एंड का पोटेंशियल हाई एक एंड का पोटेंशियल लो, वो हमेशा बना के रखते हैं। कब तक? जब तक उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक टाइम आने के बाद वो केमिकल्स का रिएक्शन बंद हो जाता है, यानी कि केमिकल्स समझो कि ऑलमोस्ट जो रिएक्शन होने के प्रोसेस बंद हो, क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं समझ लो। तो उस वजह से क्या होता है कि अब फर्दर केमिकल्स का रिएक्शन होना बंद हो गया, तो अब ये जो एंड हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पोटेंशियल पर था, अब ये बना नहीं रह जाएगा, तो अब वो सेल तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा, बराबर है। तो कंटिन्यूस सप्लाई अगर हमें रखना है तो हमारे जो सेल है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहें लगातार, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल बना रहे, तो ये करंट लगातार चलता रहेगा। अगर ये रिएक्शन होना बंद हो गया तो ये दोनों एंड्स पर पोटेंशियल बनना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगा। या फिर अगर मैंने सेल बाहर निकाल दिया तो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनना बंद हो गया, तो फिर से करंट रुक जाएगा, बराबर है। अच्छा, तो लिखने के लिए आप ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं आगे, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, समझ तो लिया, लेकिन एग्ज़ाम लेने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपको आता है? तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यही डिटो लिख देना आप, टेक्स्ट बुक की ही सब मैंने डेफिनेशंस, लाइनें सब टेक्स्ट बुक की ही हैं, लगभग मेजॉरिटी ऑफ लाइनें मैंने टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी से उठा के डाल दी हैं, ठीक है। चेक करने वाला भी खुश रहे कि बच्चा एनसीईआरटी भी पढ़ता है भाई, खाली इधर उधर से हाथ पैर मार के नहीं आया है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक Q वैल्यू का चार्ज मैं लेकर यहाँ जाना चाहता हूँ, तो ये चार्ज अपने आप वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। इस चार्ज को वहाँ तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। तो जो वर्क हम इसको मूव करवाने के लिए करते हैं, किसके लिए बोला? यूनिट चार्ज के लिए, ठीक है। तो वो जो वर्क होता है वो कहलाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्या कहलाता है? इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मैं 1 कूलम चार्ज मूव करवाऊं, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। अब छोड़ो, अपने सिंपल समझते हैं कि मान लो मैंने क्या चार्ज मूव करवाया, क्यू वैल्यू का चार्ज मूव करवाया, और इसके लिए मैंने वर्क कितना किया है, कितना किया है, डब्ल्यू किया है, समझना। मैं चलो कैपिटल क्यू लिख लूं, ऐसे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है, पर यहां क्या वही लिखा है ना, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो तो आपको
रिलेट करने में आसानी हो। तो मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक तरफ वर्क, इस तरफ लिखता हूँ मैं, इसे पूरा लिख ले रहा हूँ वर्क, इधर लिख ले रहा हूँ मैं चार्ज। दिख रहा है ना ये, देख लेते हैं। ठीक, तो मान लो जब चार्ज तुम्हें कितना मूव करना था क्यू वैल्यू का, तो वर्क कितना करना पड़ रहा था डब्लू, बराबर है। डेफिनेशन कहती है कि यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज मतलब वन, यूनिट मतलब वन, तो वन कूलम चार्ज मूव करने के लिए तुम्हें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो तुम्हें नहीं पता। उसको क्या कहते हैं हम लोग यहां पर, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो वो हो गया वी, बात समझ में आई। क्यू चार्ज को मूव करवाना था तो वर्क कितना किया, डब्लू किया। तो वन यानी यूनिट चार्ज को मूव करवाना है तो कितना वर्क करेंगे, ये वी। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन कह रहा है कि वन यूनिट चार्ज को मूव करवाने का जो वर्क डन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहां से मैं वी निकाल लेता हूं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू वन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू बाय क्यू, होगा कि नहीं होगा। तो वही तो फॉर्मूला यहां लिखा है, वी इक्वल टू डब्लू बाय क्यू, समझे। तो यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मैथमेटिकली भी समझना जरूरी है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट तो समझा ही समझा। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ की जाती है क्या, वोल्ट। वोल्ट भी एक साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, नाम था उनका एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके मेमोरी में ये नाम दे दिया गया यूनिट को, ठीक है। एम्पियर जो तुमने पढ़ा करंट का यूनिट, वो भी साइंटिस्ट की ही मेमोरी में है, अंडर एम्पियर करके नाम है उनका। तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं वन कूलम चार्ज मूव करवाता हूँ, और इस वन कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क लगेगा वो अगर वन जूल है, कितना है, वन जूल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वन वोल्ट। अरे यार तुम ऐसे भी समझ लो ना, वन जूल वर्क किया तुमने, कितना चार्ज मूव करवाने के लिए, वन कूलम, तो वन बाय वन यानी वी कितना आएगा, वन वोल्ट ही तो आएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे करंट मापने के लिए हमने एमीटर यूज़ किया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्या, वोल्ट मीटर। अब वो एमीटर वाले में यहाँ ए लिखा था, वोल्ट मीटर में यहाँ वी लिखा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताना रह गया, शायद वहाँ पर भी लिखा था कि जो एमीटर है यानी करंट मेजरिंग डिवाइस है, उसको अगर मुझे किसी भी वायर में करंट मापना है तो मुझे उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे ये वायर है, ठीक है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है मुझे ये मापना है, तो मुझे यहाँ पर एमीटर लगाना पड़ेगा, एकदम इसके लाइन में लगा देना पड़ेगा, बराबर है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है वो मापना है, तो रजिस्टर के सामने एमीटर लगा दो। और अगर मुझे इस रजिस्टर पर कितना वोल्टेज बनाए, या बोलूँ कि इसके दो एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो उसके लिए जो वोल्टमीटर लगाएंगे वो वोल्टमीटर ऐसे लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सर्कल में दिखाया जाता है, मैंने यहाँ स्क्वायर करके दिखा दिया, ठीक है। तो एमीटर कहाँ लगाते हैं हम, जिसमें मापना है उसके सामने लगा दो सीरीज में, और वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे, जिसमें मापना है उसके पैरेलल में, उसके बगल से लगा देना है, बराबर है। याद रखना, वन मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि एमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे डिवाइस में और वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। देन ये कुछ सिंबल्स हैं, टेक्स्ट बुक में है, इलेक्ट्रिक सेल, मैंने बताया एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी सेल के लिए, और अगर कई सेल साथ में लगा दिए जाए, देख रहे हैं यहाँ पे तीन सेल साथ में लगा दिया है, तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ये, ठीक है। ये क्या है, की है, क्या है, की। की मतलब इससे पता चलता है सर्किट ऑन है कि ऑफ है, जैसे ये कंडीशन है, इसको कहते हैं ओपन, क्या कहते हैं, ओपन। अब ओपन का मतलब ये नहीं है कि सर्किट चालू है, ओपन का मतलब सर्किट बंद है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, नो करंट फ्लोज, याद रखना, करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। ठीक है, इस वाले में करंट फ्लो करता है, यहां पर की लगा दिया है, ठीक है, ठीक है, क्लोज लिखा है, समझ रहे हो, ये कंडीशन कहलाती है क्लोज्ड, यानी स्विच क्लोज्ड है, और जब स्विच क्लोज होता है तब करंट फ्लो करता है, और जब स्विच ओपन होता है तब करंट फ्लो नहीं करता, उल्टा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। वायर जॉइंट, ये डॉट बना दिया, सिर्फ वायर यहाँ पर जॉइंट है, और अगर वायर जॉइंट नहीं है वो दिखाना है तुम्हें, तो तुमको क्या करना, जैसे एक वायर ये जा रहा है और एक वायर यहीं से अलग अलग निकल रहा है, लेकिन वो वायर से चिपका हुआ नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है, इसे इंसुलेटेड है, मतलब
तो तुम्हें उसको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों वायर्स आपस में जॉइंट नहीं है, और जॉइंट है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, सर्किट में कभी बल्ब बनाया तो इस तरह से बनाते हैं, ये तो हार्ड पड़ेगा, यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर रजिस्टर या रजिस्टेंस, दोनों के लिए सिंबल ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, zigzag लाइन से। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, रजिस्टर और रजिस्टेंस दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या है? डिवाइस है। रजिस्टेंस क्या है? उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो वो करता है उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। रजिस्टेंस और रजिस्टर क्या है? वो चीज़ जो रजिस्टेंस ऑफर करती है। नॉर्मली कोई भी कंडक्टर जो है ना बच्चों, वो भी एक रजिस्टर ही होता है। एक वायर ले लोगे वो भी रजिस्टर का काम करता ही करता है। इसके अलावा स्पेशली भी कुछ रजिस्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये रियोस्टेट लिखा हुआ है, ये भी रियोस्टेट है, ये भी रियोस्टेट है। रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं या वेरिएबल रजिस्टेंस कहते हैं। ये एरो बना दो या फिर ऐसा बना दो, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या है और ये क्या है? ये ही काम ये भी करते हैं, इसका काम दोनों का काम सेम है, लेकिन फिर फर्क क्या है दोनों में? ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू बदली जा सकती है। ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। मतलब एक बार जो रजिस्टर बन गया, ठीक है, वो आपको मान लो 10 ओम का रजिस्टेंस है, तो अब आपको उसको यूज़ करना है, तो 10 जहाँ 10 का काम होगा वहीं यूज़ कर सकते हो, 15 का काम होगा, 5 का काम होगा वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वेरिएबल वाला है, इसकी एक रेंज होगी कि भाई वो 10 से लेके 100 तक में आप कुछ भी बना सकते हो उसको, ठीक है। तो जहाँ 10 से 100 का रिक्वायरमेंट है, कभी 10 का, कभी 15 का, कभी 20 का, उसको चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो, इसमें वेरिएशन होता रहता है। एमीटर, ठीक है, गोले में ए, वोल्ट मीटर गोले में वी, ये हो गए सारे सिंबल्स। तो अब है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। पहले उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। एक्टिविटी क्या है देखते हैं। ये एक नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम एक एलॉय है, ठीक है, उसका वायर यूज़ किया गया है एज अ रजिस्टर। ज़्यादा रजिस्टेंस ऑफर करेगा तो उसको स्पेशली यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर। क्या करता है वोल्ट मीटर? पोटेंशियल मापता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, और वो भी पैरेलल में लगा दें तो इसके पैरेलल में लगा दिया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए इसको लगाया गया है। सामने एमीटर भी लगाया गया है, मतलब यहाँ से कितना करंट गुजरेगा वो भी हमें मापना है, समझे। ये क्या है? ये जो खेल है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, चार सेल लगाए हुए हैं, बराबर है। जब ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ब्लू लाइन है, मतलब ये कनेक्टेड है, तब तुम्हारे पूरे सर्किट में ये तीन सेल का कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये है कनेक्शन तुम्हारा, मतलब करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे फ्लो करेगा, इससे गुजर के ऐसे जाएगा, फिर यूँ घूम के, फिर ऐसे करके ऐसे चलता रहेगा, ये इसका करंट का रास्ता होगा, बराबर है, जब एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर मान लो कि जब ये मैंने कनेक्शन ये वाला कर दिया, ऐसा लगा दिया, ठीक है, तो अब करंट कहाँ से जाएगा? इन दोनों बैटरी का इस्तेमाल, मतलब दोनों सेल का इस्तेमाल होगा, तो ये बैटरी बन गए, यानी पोटेंशियल अब बढ़ गया, समझे हो। दो सेल लगा दिया तुमने, पोटेंशियल बढ़ाया है, सर्किट का सप्लाई बढ़ा दिया है, तो अब करंट कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, तब दोनों सेल का इस्तेमाल हो रहा है, फिर एक बार आएगा तीनों सेल का इस्तेमाल होगा, फिर एक बार आएगा चारों चार सेल यूज़ करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि सर्किट में कितने सेल यूज़ किए गए हैं। पहली बार में एक सेल, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, फिर चार सेल, ऐसे अलग अलग सेल्स का इस्तेमाल करना है। और जब पहला सेल लगाओगे तुम, ठीक है, तब तुम्हें यहाँ का वोल्टमीटर का रीडिंग लेना है और एमीटर का रीडिंग लेना है, वो यहाँ यहाँ लिखना है। ये एमीटर का रीडिंग है, वोल्टमीटर का रीडिंग, बात समझ में आ रही है। तो जब पहला सेल हमने लगाया था, खाली एक सेल लगाया था, तब मान लो एमीटर की रीडिंग कुछ आई थी I1, क्या आई थी? I1, ठीक है। और वोल्टमीटर की रीडिंग मान लो आई थी क्या? V1, पहली वाली रीडिंग, इसलिए V1 बोल दिया, ठीक है। फिर पहला सेल हटा, मतलब पहले साल के साथ, सेल के साथ दूसरा सेल भी ले लिया, ये वाला केस जब लिया था, तो उस केस में यहाँ की जो रीडिंग आई थी मान लेते हैं V2 थी, और इसकी जो रीडिंग आई थी वो मान लो क्या थी? I2 थी। और वैसे ही समझ ही गए होगा, I3, V3, I4 और V4, बराबर। अब यहाँ क्या बोला है, हर केस में V और I का रेशियो लो, ठीक है। ये सेटअप करने के बाद, पहला सेल कनेक्ट करने के बाद आपको रीडिंग्स लेनी है, दूसरा सेल कनेक्ट करके रीडिंग लेनी है, तीसरा सेल ऐसे करके रीडिंग लेनी है, फिर इन सब का रेशियो लेना है। यानी यहाँ पर क्या रेशियो लेंगे हम? V1/I1, यहाँ क्या लेंगे? V2/I2, यहाँ क्या लेंगे? V3/I3, यहाँ लेंगे V4/I4,
अब ये ऑब्जर्व करो, ये जो भी आपने रेशियोज लिए हैं ये सारे में आंसर सेम आएगा। मतलब अगर ये वाला 5 आया तो ये भी 5 होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, सबका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि V और I का जो रेशियो है वो फिक्स्ड आता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इससे ये साबित होता है कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, सेम रहने का मतलब क्या कि मान लो पोटेंशियल पहले 10 था और करंट मान लो 5 था, तो रेशियो कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब मान लो पोटेंशियल 20 हो गया और रेशियो फिर से 2 ही आ रहा है, तो बताओ करंट कितना होना चाहिए? रेशियो तो फिक्स आ रहा है ना बार बार, तो अगर पोटेंशियल तुमने 20 किया है तो रेशियो फिर से 2 ही आना है, तो करंट कितना होना चाहिए उस हिसाब से? 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ कि ना, फिक्स रेशियो के लिए। अब देखो वोल्टेज पहले 10 था तो इस बार कितना था? 20, यानी वोल्टेज डबल किया था, तो करंट भी 5 के डबल हो गया कि नहीं डबल हो गया? इसका मतलब किसी भी सर्किट में जब हम वोल्टेज जिस हिसाब से बढ़ाते हैं करंट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज आधा कर दोगे तो करंट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, V घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर, एक मेटलिक वायर का दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। बराबर है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे क्या है भाई? अच्छा, तो V और I प्रोपोर्शनल है। अब हमको ये पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल टू लगाते हैं। अब इक्वल टू ऐसे ही नहीं लगता, साथ में आता है क्या? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो होता है हमारा R। क्या होता है? R। तो V इक्वल्स टू R इंटू I, तो इस हिसाब से V बाई I जो है वो कितना होगा? R। अब मैंने यहाँ बताया था ना कि V बाई I का रेशियो बार बार सेम आता है, नहीं कांस्टेंट आता है, तो वही तो R है ना, V बाई I इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेट, यही तुम्हारा ओम्स लॉ कहलाता है, ओम्स लॉ की इक्वेशन कहलाती है। ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, ये इक्वेशन है। जब आपसे ओम्स लॉ बोलेंगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का है, बोला है एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करो, तो आपको ये डायग्राम, ये ऑब्जर्वेशन टेबल सब बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और सिंपली खाली डेफिनेशन पूछी है, ठीक है, एक दो मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, तो स्टेटमेंट लिखो, ये वाला एक्सप्लेन करो, ठीक है, काम हो गया। और एक ग्राफ बना देना। ग्राफ क्या है? अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना। वी आई का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, या बोलो कि लीनियर। ठीक है, लीनियर बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। वी और आई की जो रिलेशनशिप है, वी और आई की रिलेशनशिप वो कैसी है? लीनियर रिलेशनशिप है। बराबर है, चलो। तो अब ये आर जो है ना बच्चों, ये जो कॉन्स्टेंट आर है इसे भी समझना पड़ेगा डिटेल में। और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ओम्स लॉ है ये हर कंडीशन में काम नहीं करता। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ अगर, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया आपने सराउंडिंग का, सिस्टम का कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तब ये रूल चलता है। अगर टेम्परेचर बदल दिया तो ये रिलेशनशिप टूट जाएगी, ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है तब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है कि क्या है रिश्ता इनका। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी वायर का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टर क्या है? डिवाइस है। ठीक है, अभी जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ। अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक वायर है आपका, ये इसका लेंथ और ये जो है ये इसका एरिया। अगर ये लेंथ बड़ी करें हम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ाओ यानी वायर को मोटा करो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो 1 बाई A के प्रोपोर्शनल में लिखेंगे।
कंबाइंडली लिखते हैं हम, आर इज इक्वल्स टू, सॉरी आर इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, लेंथ के, और ए के लिए 1/a था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, हाँ कि ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, कंबाइन करूँ तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब फिर से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू लगेगा अगर कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट लगाते हैं हम इसको कहते हैं रो, रो यानी रोना नहीं, ठीक है, ये रो कहलाता है क्या, रजिस्टिविटी, क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्या है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये खास करके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, मेटल्स में भी कॉपर का अलग आएगा रजिस्टिविटी, ठीक है, सिल्वर का अलग आएगा, एल्यूमिनियम का अलग आएगा। इसका मतलब ये कि देखो आपका रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मैंने ये वायर लिया है, सेम ये कॉपर का है और डिट्टो ऐसा ही ऐसा मैंने एल्यूमिनियम का बनाया है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, लेंथ दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, तो भी दोनों का रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग है, क्योंकि मटेरियल अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, बराबर है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस को मापते किस में हम, रेजिस्टेंस को मापते हैं, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, किस में मापते हैं हम, ओम, उसका सिंबल क्या है ये, ठीक है, इस तरह का सिंबल बनाया ओम। और रेजिस्टिविटी किस में मापेंगे हम, रेजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन, किस में मापेंगे हम उसको, ओम मीटर में, किस में। अब ये कैसे आया, समझो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको कैसे, ये रो है ना, रेजिस्टिविटी है ना, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ये ए आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, हाँ के ना, रेजिस्टिविटी इज आर ए बाई एल। अब आर का यूनिट अभी आपने लिखा ओम, एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है, इसका यूनिट मीटर होता है, तो एक मीटर, और यहाँ दो मीटर है ना, मीटर स्क्वायर है तो एक काट दिया हमने, तो एक मीटर बचा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, तो वो यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की है यूनिट आ गई, बराबर है। इसके ऊपर बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, पर न्यूमेरिकल अलग वाली वीडियो में। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख रखी हैं, अच्छा हाँ एक चीज़, हाँ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों वेरी कर जाता है, शायद यहाँ लिखा भी होगा मैंने, देखेंगे। मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी कम होती है। अब रेजिस्टिविटी कम होती है तो देखो क्या है, सामने रिलेशन लिख रहा है, आर के सामने है ना ये, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, समझ रहे हो, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि एरिया नीचे है ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती, घटती है, तो इसलिए एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सामने सामने है तो ये न्यूमरेटर में है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बराबर है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारे एलॉयज होते हैं और जो मेटल्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, अगर इनकी रेजिस्टिविटी कम है तो इनका रेजिस्टेंस भी कम होगा, हाँ के ना, तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है तो ये जो है ना करंट को बड़ी आसानी से पार करवाते हैं, हालांकि रेजिस्टेंस कुछ तो उनका होगा पर कम होता है, ठीक है, तो करंट इनमें आसानी से फ्लो होता है, इसीलिए इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है कि नहीं, और इसीलिए ज़्यादातर तुम देखते हो कि जो सर्किट वायरिंग करते हैं घरों में हम, उसमें कॉपर एल्यूमिनियम इन सब के वायर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मेटल्स का ही इस्तेमाल होता है कि नहीं, एलॉयज का थोड़ा ना मेटल्स के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एलॉयज का हम मतलब घर में सिंपल वायरिंग्स में एलॉयज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एलॉयज का स्पेशल एप्लीकेशन है, वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो नॉर्मली वायर्स को एज अ वायर यूज़ करना है, एज अ कंडक्टर यूज़ करना है तो हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एलॉयज का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या बोली, कम है, देखो 10^-8, 10^-6, मतलब 1/10^8, मतलब कि समझो 1 को आप 10 करोड़ से डिवाइड करो तो जो मिलेगा वो रेजिस्टिविटी उतनी रेंज होती है इन लोगों की, या 1 को 10 लाख से डिवाइड करो तो जितना आंसर मिलेगा छोटा सा उस रेंज में इनकी रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की और एलॉयज की। दूसरी तरफ जो इंसुलेटर्स है, रबर, ग्लास, ये सब,
इनकी रेजिस्टिविटी देख रहे हो, 10 की पावर 12, यानी 12 जीरो एक के साथ या एक के साथ 17 जीरो, इतना बड़ा इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है इनका। इसी वजह से तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पाता। रबर तो इंसुलेटर की तरह हम यूज करते हैं भाई, करंट से बचने के लिए यूज करते हैं लोग, रबर के जूते यूज करके काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, है कि नहीं? तो ये रबर्स इंसुलेटर्स हैं, है कि नहीं? तो इस वजह से देखो ये लोगों की रेजिस्टिविटी क्योंकि बहुत हाई है इसलिए ये इंसुलेटर्स हैं। इनकी रेजिस्टिविटी कम है तो इसमें करंट आराम से फ्लो कर जाता है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, जो मैं बोल रहा था। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और वहीं अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगा। हालांकि टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन किसका होता है, पता है, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता टेम्परेचर से, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी से, और रेजिस्टिविटी का रिलेशन किससे है, रेजिस्टेंस से। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बराबर है? अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ये खास ध्यान रखना। मतलब मान लो मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल कौन सा एलॉय ले लूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल चलो मेरे ध्यान में कोई एलॉय क्यों नहीं आ रहा है, ब्रास ले लेते हैं, चलो ब्रास। किसका एलॉय होता है ये, कॉपर एंड जिंक का ना, है ना? अच्छा, तो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होगी और जो जिंक की रेजिस्टिविटी होगी, इससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी किसकी, ब्रास की। इनको कंबाइन करके जब तुमने ब्रास बना दिया तो ब्रास की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो ये होता है कि जो एलॉयज की रेजिस्टिविटी है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स से ज़्यादा होती है, जिन मेटल्स से वो बना है उन मेटल्स के कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इंसुलेटर जितना नहीं होता पर कंडक्टर से तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि नहीं? अब इंसुलेटर जैसा हो जाएगा तो फिर तो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, है ना? तो रेजिस्टेंस इनका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इनके ना स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, हीटिंग डिवाइसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, घरों में आयरन होता है ना, आयरन जो हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो नीचे जो प्लेट होती है एक, जो हीट होती है वो एलॉय की होती है, तुम देखना उसमें पढ़ना, एलॉय की प्लेट होती है वो, ठीक है? टोस्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है, हीटिंग डिवाइसेस में सब जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ की वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, हाई टेम्परेचर्स को भी झेल सकते हैं, इस वजह से भी इनका ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब मान लो नॉर्मल एक वायर है, ज़्यादा हीट होगा तो पिघल जाएगा, है ना, तो डैमेज हो जाएगा, सर्किट काम ही नहीं आएगा, है ना? लेकिन जो एलॉय है वो ज़्यादा हीट होने के बावजूद पिघलते नहीं हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है? तो इस वजह से एलॉय का इस्तेमाल होता है। खास ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई एलॉयज आर प्रिफर्ड एज हीटिंग डिवाइसेस, हीटिंग डिवाइसेस की तरह हम एलॉयज को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? तो रीज़न क्या लिखोगे आप, पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा कि उनका वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर्स पर, है ना, तो इस वजह से इनका एप्लीकेशन ज़्यादा है। अब एक एलॉय दिया टंगस्टन, टंगस्टन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, फिलामेंट्स की तरह बल्ब में। देखो पहले के समय में ये जो ऐसे वाले बल्ब आते थे बच्चों, ये ऐसे वाले, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा ऐसे ना, दो ऐसे डंडी लगे थे, इसमें ऐसे ऐसा वो लगा था, है ना? तो ये जो फिलामेंट्स है ना, ये किसका यूज़ होता था, ज़्यादा टंगस्टन का, ठीक है। अब टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करते क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जल्दी मेल्ट नहीं होता, खूब हीट होगा फिर भी मेल्ट नहीं होगा। तो जब बहुत ज़्यादा हीट होता है ना तो ये लाइट एमिट करने लगता है, रेडिएट करने लगता है एनर्जी को लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है हीट होने के बाद। जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहा बहुत देर तक अगर गर्म करते हैं तो अंदर ना लाल कलर का ऐसा ना, उसके अंदर से लाइट जैसे निकलने लगती है, ऐसा लगता है लाइट जल रही हो, है ना? तो वैसा होता है ये, बहुत ज़्यादा हीट होता है इसमें, करंट पास होने रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा हीट होगा तो खूब सारे लाइट एमिट करता है, और लाइट एमिट करने की वजह से इसको हम एज अ बल्ब यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और कंडक्टर्स का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन्स में किया जाता है। रजिस्टर, एक रजिस्टर के बारे में तो पढ़ लिया, अब मान लो कई रजिस्टर्स अगर हमने कंबाइन कर रखा है, दो तीन चार, कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला वाला ए, रजिस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, तीन रजिस्टर्स मैंने ले लिए, यह हमारी बैटरी, इस बैटरी से जब करंट निकलेगा आई, तो देखो करंट जब यहां से जाएगा तो कहीं बटने का रास्ता ही नहीं है, सीधा जाएगा इस रजिस्टर से पास होगा, कुछ दूसरा रास्ता है क्या उसके पास? एक ही रास्ता है, सारे रजिस्टर से क्रॉस होता हुआ फिर वापस आके इसमें नेगेटिव में एंटर हो जाएगा, तो करंट के पास सारे रजिस्टर से वो गुजरा है कि नहीं, कहीं बटा नहीं बटा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रजिस्टर है आर वन, ये रजिस्टर है आर टू, ये रजिस्टर है हमारा आर थ्री, और नेट करंट हमने जो भेजा था वो कितना था, आई था, बराबर है, कोई दिक्कत? मान लो जो बैटरी तुमने लगाई थी, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वी है, यानी ये वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है इस वाले और इस वाले एंड्स के बीच में, कोई दिक्कत? अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो हम कैसे फॉर्मूला लाएंगे? डेरिवेशन हालांकि वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करवा देता हूँ, आप थोड़ा कर लेना, अच्छा रहेगा, कर लोगे तो क्या पता पूछ उछ लिया तो, टेक्स्टों में बड़े दो तीन लाइन में निपटा देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है, ओम्स लॉ में हमने अभी देखा कि V बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है कि नहीं, तो यहाँ से V क्या बनेगा, V इक्वल टू I इंटू R बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, और अगर मुझे I की इक्वेशन चाहिए तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, कोई गल, कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये I करंट ही इस वाले रजिस्टर से भी गुजरा था, इससे भी गुजरा था, इससे, यानी यही करंट सबसे गुजरा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब समझे, जो ये वी वोल्ट बैटरी ने सप्लाई किया ना, तो ऐसे समझो कि कुछ एनर्जी इसने भेजी, तो वो कुछ एनर्जी यहाँ यूज़ होगी, कुछ यहाँ यूज़ होगी और कुछ यहाँ यूज़ होगी, यानी जो वी वोल्ट था ना, वो वी वोल्ट तीन हिस्सों में बटेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ जो पोटेंशियल बना इसको हम बोल दे रहे हैं वी वन, क्या बोल रहे हैं, वी वन, यहाँ जो पोटेंशियल बना इसको हम बोल दे रहे हैं वी टू, और यहाँ जो पोटेंशियल बना इसको हम क्या दे रहे हैं, वी थ्री, तीनों का अलग अलग पोटेंशियल। अभी जो वी वन है ना, ये कैसे मिलेगा, वी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आई इंटू आर, तो यहां का V चाहिए आपको, तो यहां का I और यहां का R यूज करना है, यहां का V चाहिए तो यहां पर जो I है और यहां पर जो R है वो यूज करना है, मतलब जिस भी जगह का V चाहिए उसी जगह का I और उसी जगह का R यूज करना है, तो यहां पर मुझे V चाहिए तो यहां का I क्या है, यही I तो सब जगह क्या है, तो यहां पर I तो वही है I, और यहां का R क्या है, R1, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, I इंटू R1, ये V2 कितना हो जाएगा मेरा, यहां पर भी करंट तो वही I ही आया था, तो I इंटू आर टू, और ये कितना हो जाएगा, I इंटू आर थ्री, कोई दिक्कत? अब बताओ जो टोटल बैटरी ने V भेजा था वही तो इन तीन हिस्सों में बटा है, तो जो मेरा टोटल V था वही मेरा तीन हिस्सों में बटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जब भी डेरिवेशन करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो बटता है उसकी इक्वेशन लिखो, जो बटता है उसकी इक्वेशन लिखो, स्टार्ट वहां से करना है। इस सर्किट में ये जो वोल्टेज भेजा वही बट गया तीन हिस्से में, वोल्टेज बढ़ता है, सीरीज में क्या बढ़ता है, वोल्टेज, और पैरेलल में करंट बढ़ता है, ये याद रखना, सीरीज में क्या बटेगा, वोल्टेज, पैरेलल में क्या बटेगा, करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे रजिस्टर सीरीज में थे, करंट तो बढ़ता नहीं है, तो क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है तीन हिस्से में, तो इक्वेशन मैंने वोल्टेज की लिखी कि पूरा वोल्टेज इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ओवरऑल जो वोल्टेज था वो हो जाएगा ओवरऑल करंट इनटू ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल वोल्टेज ये पूरी सर्किट का यही है ना, तो पूरी सर्किट का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा पूरे सर्किट का करंट इनटू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हम कह दे रहे हैं आर इक्विवेलेंट, क्या कह दे रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, मतलब ये कि इन सारे रजिस्टर को हटाकर मैं एक सिंगल रजिस्टर यूज करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी इनका कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या है, बराबर है, उसको मैंने कह दिया आर इक्विवेलेंट। तो पूरे सर्किट का करंट इनटू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या देता है, पूरे सर्किट का वोल्टेज, ठीक, तो आई आर इक्विवेलेंट। वी वन कितना था तुम्हारा, आई आर वन, वी टू कितना था तुम्हारा, आई आर टू, और वी थ्री था आई आर थ्री, सब में से I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कैंसल हो गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन का, याद रखना ध्यान से, फॉर्मूला तो ध्यान से याद ही रखना, डेरिवेशन भी कर लो, अच्छी बात है, मैंने करवा दिया तो तुम क्यों छोड़ोगे, करो, ठीक है, मैंने मेहनत की तुम भी करो। अच्छा, अब बात आती है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, देख लेते हैं, कोई दिक्कत लगे तो बता दियो भैया।
अब बात करें अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो जैसे ये एक रजिस्टर ऐसे लगाया हमने, ये हमारी बैटरी वी वोल्ट की, पूरे सर्किट का वोल्टेज। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर है R3। अब यहाँ पर देखो, इसने वो बैटरी ने करंट भेजा कितना I। ये करंट जब यहाँ पहुँचा तो करंट के लिए दो रास्ते बने, बने कि नहीं बने, कुछ करंट यहाँ जाएगा। मान लो ये R1 वाले रजिस्टर में करंट गया कितना I1, बचा करंट आगे जाएगा, फिर आगे जाके दो हिस्से में बैठेगा। तो R2 वाले रजिस्टर में कितना करंट गया I2, फिर आगे जो बचा गया वो करंट क्या हो गया I3। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मेरा I करंट गया था, ये तीन हिस्सों में बट गया, है कि नहीं। इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो इस वाले में, वो ऐसा बना लो कि यहाँ से जो करंट गया, ये करंट यहाँ से गया, तीन हिस्सों में बट गया, ये R1, ये R2, ये R3। तो यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2, यहाँ करंट गया I3। जैसा चाहो आप लिख सकते हो, तीन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मुझे इक्वेशन निकालनी है, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ कैसे शुरू करूँगा? यहाँ मैं शुरू करूँगा फिर से जो बटता है उसकी इक्वेशन। वहाँ वोल्टेज बट रहा था तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी, यहाँ कौन बट रहा है? करंट बट रहा है, तो करंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो ओवरऑल सर्किट का करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हुआ ना। टोटल सर्किट का करंट I था, वो तीन हिस्सों में बट गया। अब आगे जाके ये सब तीनों फिर कंबाइन होकर वापस यहाँ से I बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल I इज I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, I इज वॉट V बाई R होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल करंट है, तो ओवरऑल वोल्टेज सर्किट का ओपन ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल वोल्टेज बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या बोला मैंने, आर इक्विवेलेंट। I1 को क्या लिखेंगे हम, I1 यानी यहाँ का करंट ना, तो यहाँ का करंट मतलब यहाँ का वोल्टेज इंटू यहाँ का, सॉरी यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। इसके लिए भी यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। अब यहाँ वोल्टेज कितना है वो तो पता नहीं है। पैरेलल में बच्चों वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, सेम रहता है। मतलब ये जो वी है ना, वही यहाँ भी लगेगा, वही यहाँ भी लगेगा, वही यहाँ भी लगेगा, चारों में सब जगह वी ही वोल्ट है। इसका भी वी वोल्ट, इसका भी वी वोल्ट, इसका भी वी वोल्ट, बराबर है, और ये तो वी वोल्ट है ही, ठीक है। तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो यानी इसका पोटेंशियल भी वी है, इसका पोटेंशियल भी वी है, इसका पोटेंशियल भी वी है। तो I1 कैसे मिलेगा, इसका पोटेंशियल अपॉन इसका रेजिस्टेंस ना, तो क्या लिख दूँ मैं, वी बाई R1। इसका लिख दूंगा मैं वी बाई R2, और इसका लिख दूंगा मैं वी बाई R3। अब ओवरऑल वी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड दिस इज वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी और वी कट गया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/R equivalent इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ज़्यादा रहेंगे तो कंटिन्यू करते रहो, मान लो 10-15 है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ऐसे चलता रहेगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता रहेगा। दो ही हैं तो यहीं तक में निपट जाएगा, यहीं तक में निपट जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान रखना सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं। फिर बात आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई चीज़ बहुत देर तक चलाए, फैन देर तक चलता है, TV देर तक चलती है, मोबाइल ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हीट हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये जो फिनोमेनन है ना, इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग होता क्यों है, जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, तो मैंने बताया हर कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करता ही है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या ना, कि करंट के फ्लो को वो अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा अपोज कर रहा है, तो ये जो अपोज करने का प्रोसेस है, इस दौरान होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुजर रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ है, और एक दूसरे केस में आप कहीं से गुजर रहे हो जहाँ भीड़ कम है, वहाँ भीड़ नहीं है, दो चार लोग इधर उधर, पूरा खुला जगह, आराम से आप निकल जाते हो, आपका एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ और आप वहाँ से गुजरना चाहते हो, तो आपको लोगों को हटा के, ए भाई हट यार, ए भैया ए हटा यार, यहाँ हट, तो धक्का मार मार के जाना पड़ता है, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, आपकी बहुत सारी एनर्जी उसमें यूज़ होगी, है कि नहीं, वेस्ट होगी। हो सकता है वो थोड़ा आगे निकलने के बाद थक जाओ, अरे यार बड़े ढीठ लोग हैं, हट ही नहीं रहे,
सांस फूल जाएगी, हो सकता है। तो वैसा ही करंट के केस में होता है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट को अपोजिशन कम फेस करना पड़ता है, करंट आसानी से फ्लो करता है तो एनर्जी का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जब पास होता है, चार्जेस जब क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ से, तो उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी एनर्जी वहाँ लगाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो वहाँ पर वेस्ट होती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में जनरेट होती है, हीट के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में। यानी मतलब चार्जेस एनर्जी लेकर निकले थे क्रॉस करने के लिए, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो जिसके से उनको अपनी एनर्जी खर्चा करनी पड़ी, और जो एनर्जी उन्होंने खर्चा किया वो एनर्जी हीट बन के बाहर आई। क्या बन के बाहर आई, हीट बन के। और इसी वजह से तुम्हारे डिवाइसेस हीट होते हैं। ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो ज़्यादा देर तक चार्जेस फ्लो करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी दे के जाते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कम समय में भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर लिया जाता है, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है हमको। क्या है ना, इंसान बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है ना, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि ये तो हीटिंग इफेक्ट एक प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा एनर्जी का वेस्टेज होता है, लेकिन इंसान ने इसके ऊपर दिमाग लगा कि इसका भी यूज़ कर लिया, जहाँ जहाँ हीट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसको यूज़ करने लग गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा उसका डेरिवेशन जैसा है वो मैं आपको बता दूँ कि मान लो एक कोई भी मेरा रजिस्टर है या कंडक्टर है, जो भी है, इसके थ्रू मैं क्या फ्लो करवा रहा हूँ, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवा रहा हूँ, बराबर है। और इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रखा है हमने, कितने वोल्ट का, वी वोल्ट का, ठीक है। तो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल बना हुआ है वी वोल्ट का, ठीक है। और चार्ज क्या मूव करवा रहे हो, क्यू। कितने टाइम तक मूव करवा रहे हैं हम, कितने टाइम तक, यहाँ लिख रखा था कहीं, तो लिख रखा होगा मैंने टाइम टी तक, बराबर है, कोई दिक्कत। अब हमने पढ़ा पीछे वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, होता है कि नहीं होता है, तो बताओ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू होगा कि नहीं होगा। मतलब इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट का, आप चार्ज कितना पास करवा रहे हो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करवा रहे हो, तो इसको पास करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कैसे मिलेगा हमको, क्यू इंटू वी से, हाँ के ना, पड़ेगा ना। तो क्यू चार्ज को पास करवाना है दोनों एंड्स के बीच में, तो वर्क करना पड़ेगा क्यू इंटू वी, ठीक। अच्छा, अब ये जो यहाँ से हम कई तरीके से, मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो मैंने नोट्स के हिसाब से लिख दिया, मैं इसको और शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमने ये भी पढ़ रखा है कि आई की इक्वेशन क्या होती है, आई इज़ वॉट, क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई इंटू टी हो जाएगी। तो ये जो क्यू है ना, मैं इसको आई इंटू टी भी तो लिख सकता हूँ, तो ये वर्क की इक्वेशन हो जाएगी क्या, वी आई टी, बराबर है। इतना वर्क हमने किया, यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करवाना था, कितने टाइम तक पास करवाया, टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास करवाया, तो उसके लिए वर्क करना पड़ा वी इंटू आई इंटू टी। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये जो वर्क हमने किया है, यही वर्क हमारा हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। यही वर्क क्या होता है, हीट बन के डिसिपेट होता है। ऐसा यहाँ मान लिया गया कि जितना वर्क किया सारा का सारा हीट बन के निकल गया, जितना वर्क किया सारा का सारा हीट बन के निकल गया। तो यही W अब हो जाएगा क्या हमारा, H। तो H का फॉर्मूला आ गया वी आई टी। ये H यानी क्या हुआ, हीट एनर्जी डिसिपेटेड। क्या है ये, हीट डिसिपेटेड। अब हम इस इक्वेशन को ना और मॉडिफाई कर करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और मॉडिफाई कर करके, देखो हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में वी इक्वल्स टू वी बाई आई इक्वल्स टू आर होता है, उसका सहारा लेंगे हम। एच इक्वल्स टू ये जो वी है, वी को मैं क्या लिखता हूँ, आई इंटू आर लिख सकता हूँ, तो वी को मैं लिख दूंगा आई इंटू आर, एक आई था ही टी, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये भी हो गया हीट, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बना ही हुआ है हमारा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और ये भी कर सकते थे इसी वाले फॉर्मूले में, जहाँ वी की जगह आई आर लिखा, वी को नहीं हटाते, आई को हटा लेते हैं। तो आई को यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं, और आई की जगह क्या लिख दे रहा हूँ मैं, वी बाई आर, और ये क्या था टी, तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हमारे बन गए हीट एनर्जी के, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूले याद रख लेना, आपके न्यूमेरिकल में आपको काम लगेंगे। और कई तरह से मॉडिफाई कर करके हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। फिर बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें और कुछ छूटा तो नहीं, जरा एक बार मैं देख लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई थी ना,
ये जो इक्वेशन है ये जूल्स लॉ की इक्वेशन है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इक्वेशन है, ध्यान रखना। अगर पूछेंगे भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है तो ये एक्सप्लेन करना रहेगा आपको, ठीक है। एप्लीकेशंस मतलब जो हीटिंग हो रहा है कंडक्टर्स में या रजिस्टर्स में, उसका हम ना यूज़ कैसे करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। तो ना एलॉयस का प्लेट होता है, वो एलॉय में जब करंट पास होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल होती है। कई बार आपने सुना होगा आयरन खराब होता है तो लोग बोलते हैं कॉइल चला गया है, तो वहाँ एक कॉइल होती है, वो कॉइल में करंट पास करते हैं, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हीट ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा डिसिपेट करता है। तो वो हीट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं कपड़ा वगैरह गर्म करके प्रेस करने में। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक मशीन से उसमें ब्रेड डालो टोस्ट बन के निकलता है, वहाँ भी हीटिंग का एप्लीकेशन है। केटल्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स आते हैं, चाय वाय बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ओवन्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक के, ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। वो माइक्रोवेव ओवन आता है ना, कांच के बॉक्स जैसा होता है, उसमें रख दो, कुछ दिखता भी नहीं है, अपने आप खाना पकता है, वो अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिक ओवन में क्या होता है ना, अंदर रॉड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट होते हैं वो, मतलब एलॉयस के रॉड होते हैं, उसमें करंट पास होता है, हीट होता है, उसके से खाना पकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होता है, तो बल्ब में क्या, मैंने बताया था टंगस्टन का वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने, है ना, इस तरह के जो बल्ब्स होते हैं ऐसे, इसमें ये फिलामेंट होता है ना। तो यहाँ पर भी जब करंट पास होता है, इसका रेजिस्टेंस खूब ज़्यादा होता है, तो ये खूब हीट होता है, और हीट होने की वजह से ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। पहले तो हीट होता है, और हीट के बाद फिर वो क्या करता है, लाइट एनर्जी रेडिएट करने लग जाता है। फिर फ्यूज़, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, आपने कई जगहों पर घर वरों में देखा होगा कि ना, मान लो करंट ज़्यादा बढ़ गया, अगर सप्लाई से करंट ज़्यादा आ गया है, जितने रिक्वायरमेंट है आपका उससे ज़्यादा अगर आ रहा है, तो आपका ये जो वायर है, एक वायर, इससे जब ये करंट बढ़ेगा, तो करंट जितना बढ़ेगा, आपने पढ़ा अभी फॉर्मूला हीट का, आई स्क्वायर आर टी, आई जितना बढ़ेगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो करंट बढ़ गया तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, नॉर्मल जितना हीट प्रोड्यूस था उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये आयरन, ये वायर क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा। अब ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो ये सर्किट तोड़ देगा, मान लो जैसे यहाँ तक और यहाँ तक, इसके बीच में आपने ये वायर लगा रखा था, ठीक है, यहाँ बाहर से सप्लाई आ रही थी और आगे आपका कोई डिवाइस लगा था जो यूज़ हो रहा था, बीच में लगाया हुआ आपने फ्यूज़, अगर ज़्यादा करंट डिवाइस में पहुँच गया तो डिवाइस डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो करंट अगर बढ़ा है तो ये ज़्यादा हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा, तो ये पिघल के छूट जाएगा, तो करंट आगे जा नहीं पाएगा और आपका डिवाइस बच जाएगा। तो इस तरह से हम फ्यूज़ को प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। अब याद रखना, फ्यूज़ में जो वायर यूज़ होता है उसका हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मतलब ये जल्दी मेल्ट हो जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही भी नहीं कि हर बार मेल्ट होता रहे, बार बार फ्यूज़ जलता रहेगा, तुम्हारा डिवाइस ही नहीं चलेगा, वो कैलकुलेशंस के हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है फ्यूज़, कई बार होता है कि पतला वायर लगा दिया बार बार जल जा रहा है, कई बार ज़्यादा मोटा वायर लगा दिया तो जला ही नहीं, करंट पास करवा दिया डिवाइस ही उड़ गया, तो ये रिस्क रहता है। तो इसका कैलकुलेशन बड़ा रिस्की है, थोड़ा दिक्कत वाला काम है, पर फिर भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो लेस मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना उसका, बराबर है। फिर आती है बात किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। तो पावर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पावर है, सिंपली मैं बोल दूं, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। वैसे सिंपली पावर होता है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर है तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क का पीछे हमने फॉर्मूला निकाला ही था, वर्क या हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाला ही था, क्या था, वी आई टी, और ये नीचे कितना है टी, तो टी और टी कट गया, तो पी इक्वल टू कितना आएगा, वी आई आएगा, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। या फिर वो जो इक्वेशन पीछे हमने देखी थी ना, अभी मैंने जो लिख रखी थी, इसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सब में टी हटा दो तो सब पावर की इक्वेशन बन जाता है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, सब पावर की इक्वेशन है, टी हटा दो खाली, ठीक है। यानी जो हीट एनर्जी का इक्वेशन आया उसमें से खाली टी हटाते जाओ तो सब क्या बन जाएगा, पावर की इक्वेशन बनेगी। तो पावर की इक्वेशन और क्या क्या बनेगी हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर एक तो वी आई बनी, एक तो आई स्क्वायर आर बन गई, ठीक है, और एक तो फिर दिख और बन जाएगी क्या, वी स्क्वायर बाई आर। ये सारे फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ता है, वो भी बता दूं मैं आपको, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यानी कि वो किलो वॉट आवर होता है, कितना होता है, किलो वॉट आवर। अब ये किलो वॉट आवर क्या, पावर किस में मापते हैं हम, इसका भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट, या फिर हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड, क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकंड, जिसको हम जूल पर सेकंड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है।
तो वॉट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है क्या वॉट, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा तो यहां पर किलो वॉट लिखा है मैंने, किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, किलो मतलब, किलो का मतलब ही होता है 1000, तो किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, और साथ में आवर लगाया है, मतलब क्या हुआ, ये किलो वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो पावर और टाइम जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर के साथ टाइम जाके मल्टीप्लाई होता, क्या देगा, वर्क देगा, यानी कि एनर्जी देगा, यही होता है ना। तो 1 किलो वॉट आवर यानी क्या होगा, 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, 1 किलो वॉट आवर मतलब 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। 1 किलो वॉट कितना होता है हमारा, 1000 वॉट। 1 आवर को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 3600। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3600, तो 3620, ये 3 जीरो, यानी कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, ठीक है। वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड क्या होगा, वॉट सेकेंड, वॉट क्या है, पावर, सेकेंड क्या है, टाइम, तो पावर इंटू टाइम क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी ये 1 वॉट सेकेंड हमारा क्या होता है, पता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो 3600 और ये कितने, 5 जीरो हमारा क्या हो गया, जूल। तो 1 किलो वॉट आवर इतना होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 किलो वॉट आवर यानी इतना जूल। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, पता है, जैसे हम घर में डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी ऑपरेट करवाते हैं हम चीज़ें, फ़ैन है, टीवी है, फ्रिज है, तो इनमें एनर्जी तो जूल के फॉर्म में डिसिपेट होती है, लेकिन बहुत सारा जूल मतलब छोटी यूनिट हो गई, समझे। अब आप ना ये बहुत सारा कितना जूल समझ रहे हो, 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी यूज़ करते हो अगर आप, इतनी यानी 3600,000 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो आपने 1 किलो वॉट आवर एनर्जी कन्वर्ट की, इसी के लिए ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं, बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो 1 किलो वॉट आवर एनर्जी आपने यूज़ की है, इसको कहते हैं क्या, 1 यूनिट, क्या कहते हैं, 1 यूनिट। आपने देखा होगा अपने घर में जो रीडिंग आती है, मीटर वीटर जब बिल आता है तो बोलते हैं लोग कि 50 यूनिट जला दिया, 400 यूनिट जला दिया, 600 यूनिट जला दिया, इतना यूनिट जला इसलिए इतना बिल आया। वो जो रेट डिसाइड होता है वो यूनिट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम करते हो घर में, ज़्यादा डिवाइसेज यूज़ करोगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा तो ज़्यादा बिल आएगा, है ना। कुछ अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा मेन जो बिल का चार्ज होता है ना वो इसके ऊपर ही होता है, ठीक है। तो वो जो 1 यूनिट बोलते हैं ना कि 500 यूनिट जलाया है महीने में, 600 यूनिट जलाया है, तो वो जो यूनिट है ना वो यही है, 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। मतलब अगर आपने सोचो 500 यूनिट बिजली जलाई है तो 3600,000 × 500 जूल एनर्जी आपने यूज़ कर डाली, सोचो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मीटर वीटर का कन्वर्जन होता है, मीटर में कैलकुलेशन होता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। ये बेसिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकल के पर्पज़ के लिए है, पर छोटा सा पिद्दू सा था तो मैंने सोचा चलो बता दूँ। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट में निपटाऊँ इसे, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये बेसिकली रिवीजन पर्पज़ के लिए आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं बताया, फिर भी रिवीजन के भी हिसाब से आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाए, उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया था। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा या कुछ कमियां लगी तो ज़रूर बताना, और नई वीडियो लेके बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।